हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंदार एकेडमी। गाइस, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज का लॉगरिदम। तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे लॉगरिदम के बेसिक्स कंसेप्ट का, तो हम इस लेक्चर में बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ के आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, लॉगरिदम में सबसे पहले क्या आता है, हम लॉगरिदम क्यों यूज़ करते हैं, एनी आइडिया लॉग क्यों यूज़ करते हैं? मान के चलिए 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। और एक और एग्जांपल देता हूँ, 2 का क्यूब होता है 8। यहाँ पे यूजुअली जो आंसर्स आ रहे हैं बड़े ही सिंप्लीफाइड आ रहे हैं, बट अगर क्वेश्चन को पावर के टर्म्स में पूछना हो, अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्वेश्चन को पावर के टर्म्स में पूछना हो, ठीक है, कि जैसे कि यहां पे ये बेस है, ठीक है, ये रिजल्ट है, और ऊपर क्या है, पावर। अगर क्वेश्चन को पावर्स के टर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हम लॉगरिदम में लिखते हैं लॉग ऑफ, जो नीचे आता है वो बेस होता है, इधर होता है उससे रिजल्ट होता है, और इधर आती है पावर, ठीक है। तो हम लॉगरिदम में पावर्स पूछते हैं कि, मैं लिख के बताता हूँ मीनिंग, व्हाट इज पावर ऑफ POWER, पावर ऑफ y, विच गिव्स 25। मतलब बेस इधर आता है, ठीक है, बेस तो आपको पता ही है, बेस नीचे आता है, व्हाट इज पावर ऑफ 5 विच गिव्स 25, आप बता दोगे 2, ठीक है। तो लॉग का बेसिक मीनिंग समझ गए आपको, एक्सपोनेंट फॉर्म EXPONENT, दूसरा है लॉग फॉर्म। लेट्स से 2 का क्यूब अगर 8 होता है, आप मुझे बताओ लॉगरिदम में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको फर्स्ट आंसर बता देता हूँ। सिंपली हम क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, वो तो हम करते ही आ रहे हैं, लॉग लिख देंगे। उसके बाद इधर कितना आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये क्या है, 2 क्या है, 2 चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं बेस हूँ, 8 क्या है, ये तो रिजल्ट है, और 3 क्या है, ये तो पावर है। लॉग में हम पावर की बात करते हैं, ठीक है, तो पावर आ रही है 3, और लॉग को हम कैसे लिखते हैं, बेस इधर आता है 2, रिजल्ट इधर आता है। और रीड कैसे करते हैं लॉग को, लॉग को रीड कैसे करते हैं, मैं रीडिंग करके बताता हूं, व्हाट इज पावर ऑफ 2 विच गिव्स 8। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं। लेट्स से एक्सपोनेंट और लॉगरिथमिक फॉर्म पे ही क्वेश्चन देखते हैं। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, 5 का फर्स्ट पावर इज 5, 8 का स्क्वायर इज 64, 3 का स्क्वायर इज, अच्छा बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो लॉग फॉर्म कैसा आएगा, लॉग ऑफ बेस में कितना है 10 है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं है, बेस में 10 है, रिजल्ट कितना है 100 है, आंसर कितना है 2। रीड कैसे करेंगे, लॉग ऑफ बेस में 5 है, तो 10 की विच पावर गिव 100, दैट इज 2। सिमिलरली 5 की विच पावर गिव्स 5, दैट इज 1। लॉग ऑफ
8 की विच पावर गिव 64, दैट इज स्क्वायर. 3 की विच पावर गिव मी 9, दैट इज 2. तो बस बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया. हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं. देखिए एक छोटा भी है कोट, अच्छा भी है. इट्स ऑल अबाउट विच वे यू लुक. तो आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं ये भी काफ़ी मैटर करता है. तो चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते हो या नेगेटिव लेते हो, हवा एक ही तरीके से चलती है, बट उसकी ओर कोई रुख मोड़ लेता है तो कोई आंधियों से लड़के ज़िंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लेता है. सो योर लाइफ इज़ योर चॉइस. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन. अच्छा, आपको लॉक का बेसिक फॉर्म तो मैंने बता दिया. अब लॉक पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कन्वर्जन बेस्ड के. सो लेट्स से लॉग ऑफ, इसकी डेफिनेशन भी है लॉगरिथम की, वो भी अपन देखने वाले हैं. बट लॉगरिथम का फील आपको कराना एक्चुअली ज़रूरी था, डेफिनेशन तो आप सीख ही लोगे. लॉग ऑफ 5 125 इज इक्वल टू एक्स. इन्होंने क्या पूछा है, देखो, लॉग ऑफ 125 बेस 5 इज इक्वल टू एक्स, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है. क्या तरीका है पता है? टना मतलब 5 raised to x इक्वल्स टू 125. आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर होगा. 5 raised to x इक्वल टू 125. आगे बताओ क्या होगा. ये है 5 raised to x इक्वल्स टू 125 इज 5 का क्यूब. तो x की वैल्यू 3 आ गई, क्वेश्चन हो चुका है खत्म. तो एक और क्वेश्चन देखते हैं. लॉग ऑफ 8 base 8 इज इक्वल टू x. तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको. कंसेप्ट वही है, ये जो बेस है उचक के इसको उठा लेगा. सो 8 raised to x इज इक्वल टू 8. कोई जानता है सिंपल सा लॉजिक? मैं जानता हूँ. 8 raised to x इज इक्वल टू 8 raised to 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन हो चुका है खत्म. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर और क्वेश्चंस देखते हैं अपन लोग. लॉग की डेफिनेशन भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. बट कंसेप्ट का पहले फील कर लेते हैं. तो हाउ डज द कंसेप्ट इज. तो आई गेस लॉग का बेसिक्स तो आपको क्लियर है. ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. तो लॉगरिथम के कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं. लेट्स से log of 2 1 by 8 is equal to x. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पता है? एनी गेस? वही सिंपल, वही काम. सो 2 raised to x इज इक्वल टू 1/8. 1/8 को थोड़ा ढंग से लिख सकते हैं क्या हम? यस, 1/8 को 2 की क्यूब भी कह सकते हैं. अच्छा, ओके. पर ये तो नीचे है, उसको ऊपर शिफ्ट करना है. तो एक रूल है हमारे पास कि आपके पास a raised to m है, ठीक है. इफ़ यू शिफ्ट इट टू डिनोमिनेटर द पावर चेंजेस द साइन. मतलब किसी को आप न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर शिफ्ट करते हो, अगर किसी को आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर शिफ्ट करते हो, उससे क्या होता है पता है? सोचो क्या होता है. पावर की साइन चेंज होती है. सो 2 raised to x वुड बी 2 raised to -3. एक्स की वैल्यू आ गई -3. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट.
एक और बढ़िया सवाल की ओर. आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए एक और बढ़िया सवाल की ओर चलते हैं. लॉग ऑफ 5 वन अपॉन 125 इज इक्वल टू एक्स. तो बताइए एक्स क्या होगा? आपको कंसेप्ट तो पता ही है. डा टा. सो बेसी 5 raised to x वुड बी इक्वल टू 1 upon 125. मुझे बताओ 5 raised to x, 5 raised to x है. 125 क्या है? 5 का क्यूब है, हाँ या ना? 5 का 1 क्यूब है. आगे कुछ लॉजिक क्लियर है? 5 raised to x इज इक्वल टू वॉट? 5 raised to -3. तो एक्स की वैल्यू वुड बी -3. बढ़िया, ऑसम. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं. अरे ये हमारे एक टॉपर का रिजल्ट है, पाटिल भावेश संजय. ठीक है, सो ही गॉट 100 out of 100. लास्ट 3 मंथ्स में इसने बैच ज्वाइन करी थी हमारी एंड ही स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स. ठीक है, तो आप भी अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप CBSE के नंबर पे इस कॉल करें. वी आर टेकिंग क्लासेस फॉर CBSE, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. वैसे अनअकैडमी पे मेरी ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं CBSE के लिए, तो अगर आप मेरी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर CBSE, देर इज़ अ कूपन कोड MANDHAN, आपको ये यूज़ करना है. After that, you would be able to enroll in my batch. You will get 10% extra discount as well. तो आज ही घर बैठे PCMB की बढ़िया तैयारी करिए और CBSE की बैच आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं. सी यू, टेक केयर, गुड बाय. 2 होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप वो सॉल्व करिए, फिर ख़त्म करते हैं सेशन को. सो लेट्स से लॉग ऑफ 1/2 4 इज इक्वल टू एक्स. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड वन इज लॉग ऑफ 6 36 इज इक्वल टू 1. तो एक्स और वाई फाइंड करिए और कमेंट करके आंसर जरूर बताइए. सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.